नगर थाना क्षेत्र के माल गोदाम में रखे पटाखों में लगी आग, मची अफरा तफरी, जान माल का नुकसान नहीं। 22 मई शनिवार की देर रात दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के माल गोदाम में जब्त कर रखे गए पटाखों में भीषण आग लग गई। इसकी वजह से वहां तेज विस्फोट होने लगा और लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। फायर ऑफिसर शशिभूषण सिंह ने बताया कि बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फायर ऑफिसर ने कहा कि जिस माल गोदाम में पटाखे रखे गए थे उसमें बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए शॉर्ट सर्किट लगने की कोई आशंका नहीं है। नगर थाना पुलिस के द्वारा समय समय पर अवैध ढंग से बिक रहे पटाखों को जब्त किया जाता है। काफ़ी संख्या में यह पटाखा माल गोदाम में रखा हुआ था जिसमें आग लगने की यह घटना घटी। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। नगर थाना के अंतर्गत ये माल गोदाम है जिसमें पटाखा रखा हुआ था जो पहले से जब्त किया हुआ था, तो इसमें रखा हुआ था, अचानक इसमें आग लगने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई। दरभंगा की 6-7 गाड़ियां अभी काम कर रही हैं, आग कंट्रोल में है। हमको लगता है कि थोड़ी देर में हम इसके काबू को देख सकते हैं। हम इसको पता करते हैं कि इसमें आग कैसे लगी। बिजली लाइन तो इसमें तार है जैसा लोग बता रहे हैं, फिर हम लोग देख के पता करके बताते हैं कि इसमें क्या काम माल खाना था, काम खाना था। कितनी देर के बाद आग पे काबू पाया गया? लगभग 1 घंटा लगा हम लोग को आग पे काबू पाने में।